अपनी बात। राम कथा भारत की मिट्टी की गंध में समाहित है, प्रत्येक भारतीय के रोम रोम में बसी हुई है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियाँ राम कथा की महानता बतलाने के लिए पर्याप्त हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, चाहे जो बन जाए कवि संभाव्य है। राम कहानी ने बचपन से ही मेरे हृदय को आंदोलित कर रखा था, पर जब टीवी पर रामायण दिखाने जाने लगी तो मेरे हृदय में जैन राम कथा को जन जन तक पहुंचाने की भावना प्रबल उठी। मेरे पिताश्री डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल समय समय पर अपने प्रवचनों में राम को जिस मार्मिक रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे अनेक ऐसे बिंदु प्रस्फुटित होते रहे जो गंभीरता से विचारने योग्य हैं। अतः मैं उनसे सदा से ही राम कथा को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करती रही हूँ, पर उनका मन होने पर भी वे समय ना निकाल सके। इस अवसर पर मैंने उनसे अति आग्रह किया तो उन्होंने मुझे ही लिखने के लिए जोर देकर कहा। उनकी प्रेरणा को आदेश मानकर मेरे से जो कुछ बन सका वह आपके समक्ष प्रस्तुत है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जो रामकथा डॉक्टर भारिल के द्वारा लिखे जाने की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हो। यदि उनके द्वारा रामकथा लिखी जा सकेगी तो वह अपने आप में एक मौलिक कार्य होगा। मैंने तो आचार्य रवि शेण के द्वारा पद्म पुराण में प्रस्तुत रामकथा के वर्तमान भाव की कथा को सीधी सरल भाषा में सपाट रूप से प्रस्तुत कर दिया है। भले ही आपको यह कृति साहित्यिक आनंद ना दे सके, पर यह जैन रामकथा से तो आपको परिचित कराएगी ही। लोक प्रचलित रामकथा में बहुत कुछ साम्य होने पर भी जैन रामकथा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उपयोगी तो है ही, लोकमानस को छू लेने वाली भी है। जैन रामकथा का रावण राक्षस नहीं, राक्षसवंशी सर्वांग सुंदर विद्याधर है। इसी प्रकार जैन रामकथा में हनुमान वानर नहीं, वानरवंशी सर्वांग सुंदर राजा है, कामदेव है, तद्भव मोक्षगामी महापुरुष है। हनुमान के समान ही सुग्रीवादि भी बंदर नहीं, विद्याधर राजा हैं। इस प्रकार जैन रामकथा अति मानवीय होने पर भी बहुत कुछ मानवीय धरातल को स्पर्श करती है। जैनागम चार भागों में विभक्त है, प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग एवं द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग में तो 63 सलाका के महापुरुषों के जीवन चरित्रों का वर्णन होता है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण एवं 9 प्रतिनारायण, ये सब मिलके 63 महापुरुष, 63 शलाका के महापुरुष कहे जाते हैं। इनमें राम 8वें बलभद्र, लक्ष्मण 8वें नारायण एवं रावण 8वें प्रतिनारायण थे। जैन मान्यता अनुसार प्रतिनारायण अत्यंत बलिष्ठ विवेकी सम्राट होता है। वह अपने बल से 3 पृथ्वी को जीतकर अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बनता है और बहुत लंबे काल तक सुखोभोग करता हुआ निष्कंटक राज्य करता है। उसकी 18,000 रानियां होती हैं और 16,000 मुकुटबद्ध राजा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे प्रतिनारायण को अपने बड़े भाई बलभद्र के संयोग से जीतकर नारायण अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बनता है। नारायण के 16,000 रानियां होती हैं और उसकी सेवा में भी 16,000 मुकुटबद्ध राजा हाजिर रहते हैं। बलभद्र की 8,000 रानियां होती हैं। बलभद्र और नारायण में अद्भुत अद्वितीय अटूट स्नेह होता है और वे दोनों मिलकर लंबे काल तक राज्य सुख का उपभोग करते हैं। यह एक खाका है जो बलभद्र और नारायण के जीवन चरित्र की रूपरेखा को रेखांकित करता है। राम कहानी भी इसी रूपरेखा के आधार पर विकसित होती है। यद्यपि जैन दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति तीर्थंकर होते हैं, तथापि रामचरित में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो लोकमानस को अधिक आकर्षित करती हैं, अधिक प्रभावित करती हैं। लोक में रामचरित अधिक प्रसिद्ध होने से जैनियों में भी यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जैन पुराणों के अनुसार रामचरित्र का क्या स्वरूप है। जैनागम में राम कहानी अधिक प्रचलित होने का एक कारण यह भी है। जो भी हो, यह राम कहानी लिखने में मुझे स्वयं बहुत लाभ मिला है। एक तो पद्म पुराण की गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिला और दूसरे इसके लिखते समय
परिणाम सहज ही निर्मल बने रहते हैं। मूलतः स्वांता सुखाय और गौड़ रूप से लोकहित के लिए लिखी गई इस राम कहानी से यदि आपको भी कुछ लाभ मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी।